अरे फर्रे देखे। किसके फर्रे? कैसे फर्रे? किसने बनाए? अरे डायरेक्टर सौमेंद्र ने बनाई है फिल्म फर्रे, जिसका रिव्यू आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जस्ट ऑन ई टाइम्स। सो फिल्म फर्रे के साथ सलमान खान की नीज एलिजे अग्निहोत्री ने की है बॉलीवुड में एंट्री, एंड इट इज वन ऑफ दोस टाइम्स जहां पे एक स्टार किड अपनी लेगेसी नहीं अपने टैलेंट के बल पे शाइन कर रहा है। सो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से, विच हैज बीन रिटन बाय सौमेंद्र एंड अभिषेक यादव। ये एक टीनेज स्कूल ड्रामा है, बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर बाकी ड्रामास की तरह इट्स नॉट अबाउट इश्क वाला लव या फिर लव ट्रायंगल। ये कहानी है एक अनाथ बच्ची नियति की, प्लेड बाय एलिजे, जो कि 10th में स्टेट टॉपर बनती है और उसकी वजह से उसे स्टेट के सबसे महंगे और प्रेस्टीजियस स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, और वहीं पे उसके रिच एंड स्पॉइल्ड क्लासमेट्स उसे एक चीटिंग रैकेट में खींच लेते हैं। It all begins with an innocent help at an exam which reaches to an international level, जहां पर नियति के पास पाने से ज्यादा खोने का खतरा होता है। Interesting. So since we began with the story, कहना पड़ेगा कि कहानी और निर्देशन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया है, सीक्वेंसेस को भी इस तरीके से बुना गया है that you're glued to the edge of your seats. चाहे नियति के जीनियस इनोवेटिव चीटिंग करने का तरीके हो या फिर ये एस्टैब्लिश करना हो कि एक अमीर और एक गरीब बच्चे के वर्ल्ड में कितना डिफरेंस होता है, या ये सिमिलैरिटी दिखानी हो कि चाहे माँ बाप अमीर के हो या गरीब के, एक्सपेक्टेशन एंड स्कोर का प्रेशर सिमिलर ही होता है। एवरीथिंग इन दिस मूवी हैज बीन शोन ब्यूटिफुली। तालियां तो इस फिल्म के हर एक किरदार के लिए भी बनती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर एक किरदार को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है, ऐसे ही एक अच्छी कहानी को पावर पैक परफॉर्मेंसेस की जरूरत होती है। एलिजे इज अ क्लेवर स्मार्ट 10th टॉपर, येट अ रेकलेस गर्ल हैज डन फुल जस्टिफिकेशन टू हर कैरेक्टर। साहिल मेहता एज आकाश एज अनदर स्कॉलर ने अपने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर आर्च को बहुत अच्छे से दिखाया है। वहीं प्रसन्ना विष्ट एंड जैन शॉ एज छवि एंड प्रतीक, हु आर द स्पॉइल्ड रिच ब्रैट जिन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है मगर अपनी मेहनत नहीं अपने पैसे के बलबूते पे, हैव डन अ परफेक्टली स्नूटी जॉब। And how can we forget to mention Ronit Roy and Juhi Babbar, who are nothing but love in the entire film. क्या बात है? Also, the music of the movie leaves an impact. चाहे MC Stan का title track हो with all hip hop या फिर Sachin Jigar का music, everything keeps you आकर्षित. और वहीं जो background score है, वो school drama को बहुत अच्छे से complement करता है. All is well. All is well. थोड़ी सी problems तो हैं. थोड़े से लूज एंड्स हैं मूवी में, जैसे कि एक कैरेक्टर की जर्नी कुछ अनआंसर्ड अनएक्सप्लेन्ड सी लगती है। वहीं पे देयर आर सर्टेन एग्जाम सीक्वेंसेस जो थोड़े से ओवरस्ट्रेस्ड फील होते हैं। ऑल्सो इन द एंड जो मेन कैरेक्टर की अपने ही मोरल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहती है, वो थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड और बहुत ही एब्रप्ट लगती है। सो द फाइनल एंडिंग इट एक्चुअली सीम्स अ लिटिल एब्रप्ट। सो कुछ जगह है जहां मूवी का थ्रिल आपको सीधा यहाँ जाके छोड़ देता है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। बट ऑल इन ऑल फर्रे इज अ रिफ्रेशिंग टीनेज स्कूल ड्रामा जो आपको ये सोचने पे जरूर मजबूर कर देगा दैट शॉर्टकट्स टू सक्सेस और द चीट कोड्स टू सक्सेस आर वर्थ द स्टेक्स और नॉट। एंड ऑन दिस नोट मैं नेहा वशिष्ठ लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलती हूँ अगली बार एक और नए फिल्म रिव्यू के साथ। एंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू मी टाइम्स।